जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र है। हमारे देश में आतंकवादियों की वजह से लोग अपनों से बिछड़ते जाते हैं, अपनों को खो देते हैं। इन्हीं हालातों के चलते हमारी भारतीय सेना तरह तरह के अभियान चलाती रहती है और आतंकवादियों का खात्मा करने में लगी रहती है, जिसकी वजह से आतंकवादी बुरी तरह से बौखला जाते हैं और इसी बौखलाहट के चलते आतंकवादी जवानों पर हमला करते हैं और उन्हें हर संभव प्रयास करते हैं नुकसान पहुंचाने का। और अभी हाल में ही फिर से हमारी भारतीय सेना के एक और जवान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार की है, जहां दक्षिण कश्मीर जिले के कोकरनाग के बटनार इलाके में सुरक्षा बलों को वहां आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सटीक सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हुए उस इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं बौखलाहट में आकर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों के बीच फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसका सुरक्षा बलों ने समुचित जवाब भी दिया है। बता दें, अमर बलिदानी जवान की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के भाउदीन गांव निवासी लांस नायक निशांत सिंह के रूप में की गई है और रविवार को बदामी बाग कैंट में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में चिनार कोर्प के JOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे व अन्य कमांडरों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां इस दौरान सेना की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। दुख की इस घड़ी में सेना के साथ ही पूरा देश उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में 14 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार शोपिया के बड़गाम में जैनपुरा इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान जोरों शोर पर चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस मुठभेड़ से जुड़े एक अन्य हादसे में सेना के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो वहीं 2 अन्य जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। शिवालिक जनरल भी इस घटना में शामिल अमर बलिदानी जवानों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और राष्ट्र सेवा के लिए उनका धन्यवाद करता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।